जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली ले भागे लकड़ी तस्कर। मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है। लोग कहते हैं कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। जिस तरह से जिले के ग्रामीण आंचलों से दिन रात अभेद तरीके से हरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है। ज्ञात हो कि आंचल के किसानों के साथ आम जनता ने विगत कई सालों से मौसम में भयंकर तरीके से परिवर्तन का नजारा अपनी खुली आंखों से देखते हुए देखा है। सरकार और जानकार इसे ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हुए कहते हैं, हर साल योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वृक्षरोपण कार्य को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत की बनागी कुछ अलग ही दर्शन लीला दिखा रही है, जिसकी छोटी सी झलक हम हमारे पाठकों के माध्यम रखने जा रहे हैं। जरा गौर फरमाइए, छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात लगातार वृक्षरोपण होने के बावजूद 2001 से 2015 तक लगभग 3% जंगल अर्थात 3700 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो गया। वर्ष 2017 में 8 करोड़, वर्ष 2016 में 7 करोड़ 60 लाख, वर्ष 2015 में 10 करोड़ पौधे रोपित किए गए थे। इसके बावजूद भी जंगल का रकबा नहीं बढ़ा, बजाय जमीन के अफसरों ने सरकारी रजिस्टर में ही पौधे उगा दिए, जिसके पके हुए फलों को कुछ सफेद पोष निछावर खोर नेताओं ने छकते हुए गट गए हैं। तो वहीं राज्य में दर्जन भर से ज्यादा जिलों में मैदान खाली पड़े हैं, जहां वन विभाग ने सरकारी रिकॉर्ड में बड़े वृक्षों का जंगल बताया है। इन जंगलों में धमतरी, महासमुंद, बस्तर, रायगढ़, कोरबा, चांपा, जांगीर, अंबिकापुर, मुंगेली, राजनंदनगांव, बैमतारा, बालोद और सूरजपुर जैसे जिलों के कई कस्बे शामिल हैं, जबकि इन इलाकों में जंगलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है।